हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुशर्रफ खान, आपका दोस्त और इस चैनल का दोस्त। तो आज मैं बात करूंगा नैविक के बारे में। सो नैविक जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो फ़ोन सपोर्ट रियलमी 6 प्रो फोन जो सपोर्ट करता है वो नैविक को सपोर्ट करता है। तो नैविक है क्या ये, हो सकता है किसी अभी सब लोगों को ना पता हो उसके बारे में। कुछ मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर मुझसे पूछ भी रहे थे कि नैविक ऐसा आखिर है क्या। सो मैं इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि नैविक है क्या। तो इस वीडियो में बात करूंगा नैविक है क्या। नैविक सैटेलाइट सिस्टम, एक इसरो ने अपना एक नैविक बनाया है। नैविक सैटेलाइट जैसे GPS है, वो एक नैविक बनाया है। नैविक का मतलब होता है नैविक की फुल फॉर्म, जैसे कि बताना चाहूँगा, जैसे नैविक बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, जैसे जो गाड़ी चलाते हैं उनको ड्राइवर बोलते हैं, ऐसे जो नाव चलाते हैं सो हिंदी में उनको नैविक बोलते हैं। अब नैविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। सो ये एक नैविक की फुल फॉर्म है, तो ये बहुत अच्छा नाम दिया गया है नैविक। सो नैविक इसरो ने, थैंक्स टू इसरो, हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास खुद का अपना सैटेलाइट सिस्टम है कि पहले नहीं था। इसके पीछे एक कहानी है और हम सबको उस कहानी से सीख लेनी चाहिए। तो कहानी ये है कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पर हमारे पास जो सैटेलाइट था नैविक, जो GPS था, वो हमारे पास नहीं था। सो इंडिया ने कुछ डेटा लेने के लिए, कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए, कुछ भी वहाँ से लेने के लिए US से उसकी परमिशन ली कि हमें वो कुछ डेटा चाहिए वहाँ का। सो उन्होंने क्लियर मना कर दिया। इसरो ने तभी ठान लिया कि हम अपना खुद से अपना एक सैटेलाइट सिस्टम बनाएंगे, नेविगेशन अपना बनाएंगे खुद से, कि हमारे पास खुद का होना चाहिए, हमें किसी की मांगने की ज़रूरत ना पड़े। सो ऐसा ये इंडिया के पास ऐसा जो है 7 सैटेलाइट इंडिया ने ऑलरेडी भेज चुका है, और ऐसे ही ये बहुत सारी सैटेलाइट अभी भेजना है। अभी 11 तक भेजेंगे, उसके बाद 24 तक कुछ इनका प्लान है। सो ये अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम बना, ये बहुत बड़ी बात है ये इंडिया के लिए। सो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट वाली बात है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके लिए ये कौन कौन से फ़ोन में सपोर्ट करेगा और हमें कितना इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसके अंदर जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर हैं, सारे प्रोसेसर नहीं, कुछ प्रोसेसर इसके अंदर आए हैं जो नैविक को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि नैविक के ये नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस है, सॉफ्टवेयर नहीं, सिर्फ इसके अंदर हार्डवेयर भी काम करता है। हार्डवेयर होना चाहिए, मतलब उस सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर के साथ जो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है, जो उस नैविक से बातचीत करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर तो ज़रूरी है ही है, लेकिन फ़ोन के अंदर वो हार्डवेयर भी होना चाहिए जो नैविक को सपोर्ट करता है। तो मैं बताता हूँ उसके प्रोसेसर कौन कौन से ऐसे प्रोसेसर हैं जो नैविक को सपोर्ट करते हैं, और ये कौन कौन से अभी जो फ़ोन्स में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बताऊँगा SD 460, यानी कि स्नैपड्रैगन 460, SD 662, स्नैपड्रैगन 720G, जिसे मैंने बताया रियलमी 6 प्रो में यूज़ किया गया है, और रियलमी में यूज़ किया गया था, और स्नैपड्रैगन 765 एंड स्नैपड्रैगन 765G ऑल्सो एंड 865। सो 865 में 865 जो प्रोसेसर था वो रियलमी X50 प्रो के अंदर यूज़ किया गया, लेकिन वो अप्रैल के अंदर उसके अंदर जो है मतलब अभी ऑलरेडी सपोर्टेड है, ऐसा नहीं है नैविक सपोर्ट नहीं करता, वो 865 सपोर्ट करता है, लेकिन अभी उसके अंदर नैविक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल के अंदर उसका अपडेट आने वाला है, तो जब सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट हो जाएगा तो वो भी काम करेगा। सो ये सॉफ्टवेयर है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले के फ़ोन हैं, जो स्नैपड्रैगन और बहुत सारे वर्जन हैं, 710 है, और ये और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो आने वाले जो फ़ोन होंगे, आने वाले जो फ़ोन आएंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के, वो सारे फ़ोन सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वाले फ़ोन अभी जो चल रहे हैं, ये फ़ोन नैविक को सपोर्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट 720G जो स्नैपड्रैगन है रियलमी 6 प्रो में, पहला ऐसा इंडिया का स्मार्टफोन है जिसके अंदर ये नैविक सपोर्ट करता है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर कि हमारे पास 5 ऐसी कंट्री हैं जिनके पास अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें से इंडिया भी अब एक हो गई है, जैसे कि US, रशिया, चाइना, जापान एंड इंडिया। तो जापान में भी अभी स्टार्ट की हुई थी, तो जापान लिए इंडिया अपना अब हो गया है, तो खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम हो गया। इसका दूसरा नाम भी है, वो है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये एक इसका दूसरा नाम भी है, लेकिन नाविक के नाम से इसको रखा गया है। तो अब बताता हूँ इसकी एक्यूरेसी क्या है, और ये जो टोटल इसकी एक्यूरेसी है वो अप टू 10 मीटर तक रहेगी। ये GPS से कितना ज़्यादा फास्ट है कि मैं जैसे कि GPS जो काम करता है वो एक्यूरेट डाटा तो देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता, एक्यूरेट डाटा देता है, लेकिन उतना ज़्यादा फास्ट क्योंकि वो सिंगल बैंड पर आता है, और ये डुअल बैंड पर आता है। तो जैसे कि देख भी रहे होंगे, ये डुअल बैंड पर आता है,
और ये ज़्यादा एक्यूरेटी मतलब उससे ज़्यादा एक्यूरेट देगा आपको, जैसे कि आर्मी है और काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो कि इनक्रिप्ट रहेगी डाटा। ऐसा नहीं है कि इनक्रिप्ट जो अप टू 10 मीटर तक उनको वो उनको डाटा प्रोवाइड कराएगा। किसी के बारे में जानना है, कुछ भी चीज़ जानकारी लेनी है, तब तो 10 मीटर तक ये जानकारी देगा, इसलिए इतना ज़्यादा फास्ट है। और हमें जो इसकी जानकारी मिलेगी अप टू 30 मीटर तक मिल सकती है। सो जैसे कि मतलब GPS से ज़्यादा फास्ट है। सो ये नाविक जो है बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट वाली बात है, थैंक्स टू इसरो कि हमें इतनी अच्छी सेटेलाइट, इतना अच्छी चीज़ हमें प्रोवाइड की है हमारे फ़ोन्स में। हम का यूज़ करने वाले हैं इस फ़ोन्स को, जो कि सारे आगे अपकमिंग फ़ोन आने वाले हैं उन सब फ़ोन में ये सपोर्ट करेगा। सो हम सब यूज़ करने वाले हैं इसको। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और यार चैनल बनाया चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो खाली व्यूज़ खाली वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि भाई नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन ग्रेट टाइम एंड कीप स्माइल। बाय बाय।